हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा शेड्यूलिंग की, क्योंकि एनटीए ने डिसाइड किया है कि आपका जेई एडवांस का डेट पहले बताया जाए। और जेई मेंस के डेट्स अभी आए नहीं है बच्चों, लेकिन टेंटेटिव हो गया है कि कब होने वाले हैं। तो पूरा देखो और जानो और समझो कि हमें क्या क्या स्टेप्स अब लेने हैं आगे जाके। ठीक है बच्चों, ये है एनटीए के द्वारा बनाया गया एक शेड्यूल है। इसमें यह दिखाया गया है कि जेई एडवांस 2022 हमारे को होने वाला है संडे जुलाई 3rd। दो शिफ्ट में होगा, पेपर वन एंड पेपर टू। ठीक है बच्चों, पेपर वन है 9 to 12 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। इसके बाद 2.5 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा, लंच कर लो, आराम कर लो, रिवाइज करना है लास्ट टाइम तो फार्मूले देख लो, रिवाइज कर लो। पेपर टू होगा 2:30 to 5:30। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा दिन आपका लगने वाला है सेंटर पे। सो स्ट्रांग हो जाओ फिजिकली मेंटली, और अपने सेहत का भी ध्यान रखो आप लोग, ताकि लंबे शेड्यूल को झेल पाओ। मेंटली टफ होना भी उतना ही जरूरी है बच्चों जितना फिजिकली। तो ये डेट आप लोग नोट कर लो जेई एडवांस के लिए, जेई एडवांस डेट्स। दूसरी बात है कि हमारे को बोला गया है कि आपको कॉपी ऑफ कैंडिडेट रिस्पॉन्स टू बी अवेलेबल, कैंडिडेट का जो रिस्पॉन्स होगा कॉपी उसकी आपको मिल जाएगी 7 जुलाई को। ठीक है बच्चों, अब प्रोविजनल आंसर शीट भी आपको मिलने वाला है जुलाई 9 को। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है ना, काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है काम। फीडबैक एंड कमेंट्स आपको अगर देना हो तो जुलाई 9 को आप दे सकते हो, या जुलाई 10 तक आप दे सकते हो। ऑनलाइन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल आंसर कीज, फाइनल आंसर की जो ऑनलाइन आ जाता है कि यस दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, वो आपको जुलाई 18 तक मिल जाएंगे पूरे के पूरे। रिजल्ट ऑफ जेई एडवांस है ना, 18 जुलाई को आपको पूरा रिजल्ट आएगा, तो 10 o'clock तक आ जाने के चांसेस हैं। तो बच्चों, तो आपको अब ध्यान में ये रखना है कि आपको जेई एडवांस का पहले इसलिए बताया गया है कि चलो आप तैयारी शुरू करो, और तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक जेई मेंस की बात है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन अब आजकल में शुरू होने वाले हैं, जो कि मार्च मिड तक रहेगा रजिस्ट्रेशन, और जुलाई 10th और 12th के आसपास आपको होगा फर्स्ट अटेम्प्ट मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, जुलाई इस वाला की अभी डेट आना बाकी है, डेट अभी आ जाएगा। और आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, ताकि आप देख सको कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे है, आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा उसमें। तो इस डेट को ध्यान में रख के काम करना है, और आप यूँ मान के चलो कि आपका जो जेई मेंस होने वाला है बच्चों, वो हो जाएगा April 10th के आसपास। ठीक है, April 26th से आपका बोर्ड स्टार्ट है, और मई में आपको सेकेंड अटेम्प्ट मिलेगा जेई के लिए। उसके बाद रिजल्ट आएंगे जेई मेंस का, उसके अकॉर्डिंग आप जेई एडवांस में बैठ सकते हो। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जेई मेंस में, वो एडवांस में बैठ सकते हैं बच्चों। तो ये रहा आपका शेड्यूल, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। ठीक है बच्चों, तो स्टडी करते हैं, और हम लोग फोड़ के रहेंगे इस बार जेई 22। गुड लक बच्चों।